हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन गायत्री स्कूल अरनिया। देखिए, हम पोइम पढ़ रहे थे और द सेवन एज ऑफ मैन ये पोइम थी अपनी, व्यक्ति की सात अवस्थाएं, ये पोइम पढ़ ली थी हमने। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पर, जो पोइम के क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो देखते हैं। इसके पोइम को कंप्लीट कर लिया था, आज बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझते रहना, ट्रू एंड फॉल्स में चुनना है आपको। ट्रू एंड फॉल्स इसमें से चूज करना आपको कि कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो ये कंप्रेंशन के अंतर्गत आता है, कंप्रेंशन के अंतर्गत आता है ये, जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन के अंतर्गत बताया ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, सत्य और असत्य कथन की आपको क्या करनी है, जांच करनी है पोइम के आधार पर। देखिए, फर्स्ट दे रखा है इसमें, वन मैन इन हिज लाइफ, फर्स्ट करते हैं, वन मैन इन हिज लाइफ प्ले ओनली वन पार्ट। देखिए, पोएम के आधार पर आंसर देना आपको। तो वन मैन इन हिज लाइफ मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक भूमिका अदा करता है क्या? तो आपको ये चूज करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको चूज कीजिए कि एक व्यक्ति है वो अपने जीवन में कितनी अवस्थाएं हैं, वो विलियम शेक्सपियर ने बताई है, आपको पता है सेवन बताई है, तो ये वन, तो ये क्या है आपको पता है, फॉल्स। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स है ये, समझ गए, असत्य कथन है ये। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इस पर डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है, एन ओल्ड मैन इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए, इससे क्या होता है। देखिए, ये छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर, तो इनमें ट्रू एंड फॉल्स से क्या पता लग जाता है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो आप, समझ गए, पोइम में कितना आता है, आप इसको सही हल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, एक प्रकार से ऐसा मालूम हो जाता है आपको कि क्या पढ़ रहे हो। तो देखिए, एन ओल्ड मैन इज फुल ऑफ स्ट्रेंज, ई ओल्ड लगा लेना इसमें, स्ट्रेंज ओथ्स, समझ गए, कि एक व्यक्ति होता है उसमें वो अजीब शपथ लेता है क्या, एक व्यक्ति है वो अजीब शपथ लेता है कभी, नो। तो कौन लेता है फिर, ये देखिए भाई, ओल्ड मैन की कौन सी अवस्था आती है, छठी अवस्था आती है, कौन सी आती है, सिक्स्थ एज होती है। तो छठी अवस्था में क्या संकल्प लेगा वो, ये आपको पता होना चाहिए, ओथ्स का मतलब है शपथ लेना, समझ गए। तो ये कौन लेता है, एक सोल्जर लेता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर तीसरे की चर्चा करते हैं, एन इन्फेंट द सिक्स बबल रेपुटेशन। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले, एक शिशु होता है वो बुलबुले के समान अपनी रेपुटेशन बनाने की तलाश में रहता है, कि सिक्स का मतलब बताया था आपको तलाश, तो उसकी तलाश में रहता है कि एक जो इन्फेंट है, शिशु है, तो कौन रहता है ये तो इन्फेंट फर्स्ट एज में आपको ऐसा नहीं बताया गया, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स, समझ गए। ये जो एन इन्फेंट द सिक्स बबल रेपुटेशन, मतलब
बबल का मतलब बताया था आपको, जो बुलबुला होता है जिसको बोलते हैं, समझ गए। तो मतलब रेपुटेशन, उसके समान रेपुटेशन को कौन देखता है? तो ये इन्फेंट देखता है, शिशु देखता है, कि ये देखिए आप। तो इन्फेंट नहीं देखता तो कौन देखता है? फिर जो व्यक्ति की क्या होती है अपनी, मतलब जो थर्ड स्टेज है उसमें देखता है ये। तो फर्स्ट स्टेज में ये नहीं देखता, मतलब इन्फेंट वाले में ये नहीं देखता, समझ गए। शिशु जानता ही नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। शिशु क्या जानेगा कि बबल रेपुटेशन क्या होती है, समझ गए। तो ये क्या है? फाल्स। आगे देखिए नंबर 4, जस्टिस। जस्टिस इज वन ऑफ द स्टेज, इज वन ऑफ द स्टेज। तो जस्टिस इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ ह्यूमन एज, ऑफ ह्यूमन एज। देखिए क्वेश्चन का आंसर निकालिए। जस्टिस है वो मानव की अवस्थाओं में से एक है क्या? मतलब जो मानव की आपको 7 अवस्थाएं बताइए, समझ गए, 7 एज बताई, उन एज में से एक जस्टिस भी ऐसी एज है क्या, ये पूछ रहा है, समझ गए, न्यायाधीश के रूप में। तो बताया था आपको ये है, समझ गए, ये अवस्था पढ़ाइए आपको जस्टिस के रूप में। तो ये क्या है? ट्रू है, ट्रू हो गया ये। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, एक बार आप कर लो इनको, उतार लो एक बार, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए छोटे ही हैं, ट्रू और फाल्स। अब नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहते हैं। तो 5 है ये, द लास्ट स्टेज, द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, ऑफ मैन्स लाइफ, द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, बहुत ही अच्छा है ये, इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस। देखिए समझिए इसको और यहां पर आंसर दीजिए इसका। द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ मतलब व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था है वो दूसरा सेकंड चाइल्डनेस कहलाती है, क्या? कोल्ड का मतलब है कहलाना, तो यहां पर कहलाती थी, इज भी आ रहा है तो कहलाती है, मतलब जो अंतिम अवस्था को सेकेंड चाइल्डनेस कहा जाता है क्या? तो काफ़ी बार चर्चा की थी मैंने, इसको कहा जाता है, क्या किया जाता है? तो ये क्या है आपको पता है? ट्रू है, कहा जाते हैं, ये आया है आपकी पोइम में। आगे देखिए नंबर 6, 6 क्वेश्चन है, एन इन्फेंट, एन इन्फेंट हैज, एन इन्फेंट हैज ए फेयर, ए फेयर एंड राउंड बेली, राउंड बेली। मतलब एक शिशु है, एक शिशु गोल मटोल तोंद रखता है क्या? गोल मटोल तोंद होती है क्या? बेली होती है क्या? बेली का मतलब बताया था आपको तोंद। तो एक शिशु मतलब जो शेषावस्था में व्यक्ति के राउंड बेली होती है क्या, शिशु की होती है, ऐसा बताया था आपको? तो नो, ये क्या है? फॉल्स। तो ये छोटे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, कंप्रेंशन वाले एक्टिविटी फर्स्ट के। आगे देखिए आप एक बार कर लो इनको, उतार लो।
आइए देखिए अब क्वेश्चनों पर चलते हैं हम। देखिए इसमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 टू 20 वर्ड्स। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें आपका, क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, हू इज कंपेयर विद ए लियोपार्ड। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हु इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड। देखिए क्वेश्चन को समझिए, लियोपार्ड का मतलब बताया था आपको तेंदुआ होता है, क्या होता है तेंदुआ, तो हु इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड मतलब तेंदुए की तुलना किससे की गई है, तेलने जो तेंदुआ होता है तो तेंदुए की तुलना किससे कंपेयर, तेंदुए को जो लियोपार्ड है उसको किससे कंपेयर किया गया है, तेंदुए को किससे कंपेयर किया गया, किससे तुलना की गई है, समझ गए। तो तेंदुए के समान मतलब लाइक ए तेंदुए के समान जो कौन सी अवस्था में बताया गया था आपको तेंदुए के समान, तो इसका आंसर लिखिए आप, मतलब एक जो सोल्जर होता है, कौन होता है सोल्जर होता है, उसकी तुलना लियोपार्ड से की गई है। कविता में आया था पोइम में कि एक जो सोल्जर होता है सैनिक जिसको बोलते हैं, वो ऐसी बियर्डेड रखता है मतलब उसकी दाढ़ी ऐसी होती है तेंदुए के समान बड़ी बड़ी होती है, ऐसी तुलना की गई थी। तो आप इसका आंसर लिखिए, ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड इज, एंड बियर्ड इज, एंड बियर्ड इज कंपेयर्ड विद ए लियोपार्ड। देखिए अभी बताया था आपको हिंदी में पहले ही, मतलब एक सैनिक जो विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेते हुए मतलब शपथ लेते हुए और दाढ़ी बियर्ड से परिपूर्ण होता है, मतलब दाढ़ी से ढकी हुई होती है उसकी जो बियर्ड है दाढ़ी है उससे चेहरा ढका हुआ होता है, इज कंपेयर्ड विद ए लियोपार्ड, उसकी तुलना लियोपार्ड से की गई है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर टू पर चलिए देखिए क्या कहते हैं। व्हाट इज ए रोल ऑफ ए नर्स, व्हाट इज ए रोल ऑफ ए नर्स मतलब दहाई का क्या, दहाई की क्या भूमिका होती है, रोल का मतलब जानते हो आप समझ गए, तो दहाई की क्या भूमिका होती है इसमें बताया था कि दहाई की भुजाओं में क्या करते हैं, पुकिंग और म्यूलिंग करते हुए इन्फेंट क्या लेता है, जन्म लेता है, तो इसमें लिखिए आप टू लुक आफ्टर, आंसर हो जाएगा इसका टू लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करने के लिए आपको बताएं तो टू लुक आफ्टर द म्यूलिंग एंड पुकिंग, द म्यूलिंग एंड पुकिंग, द म्यूलिंग एंड पुकिंग इन्फेंट इज द रोल, इन्फेंट इज द रोल, इन्फेंट इज द रोल ऑफ ए नर्स, रोल ऑफ ए नर्स। पढ़िए इसको देखें क्या कहता है ये, देखिए इसका आंसर निकलेगा कहाँ से, टू लुक आफ्टर द म्यूलिंग एंड कुकिंग, मतलब म्यूलिंग का मतलब बताया था मिमियाते हुए जिसको बोलते हैं, समझ गए, और पुकिंग का मतलब उल्टी करते हुए, समझ गए, तो उल्टी करते हुए और मिमियाते हुए शिशु की इन्फेंट की लुक आफ्टर करना एक नर्स का रोल होता है, मतलब नर्स की भूमिका होती है। ये है इसका सीधा सा उत्तर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए,
साइज लाइक ए फर्नेस, मतलब गर्म भट्टी की तरह आहे कौन बढ़ता है? तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है, सीधी सी बात है, आंसर लिख दीजिए, गर्म भट्टी के समान कौन करता है, बताया था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लवर साइज लाइक ए फर्नेस, ये आपका आंसर शॉर्ट ये है, मतलब एक लवर बढ़ता है ऐसे आए हैं, समझ गए? कब बढ़ता है? अपनी युवावस्था में बढ़ता है, समझ गए? तो लेकिन आपको तो ये सीधा सा पूछ रहा है क्या, हूँ साइज लाइक ए फर्नेस, मतलब एक गर्म भट्टी की तरह आए कौन बढ़ता है, तो एक लवर बढ़ता है, कौन बढ़ता है? लवर। उतारिए तीनों क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा, समझ गए? तो उतारो इनको, तीनों क्वेश्चन हो गए आपके। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्या कहता है देखिए, एट व्हाट स्टेज, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन, डज ए मैन वियर, डज ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स एट हिज नोज, पढ़िए इसको, मतलब कौन सी, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स एट हिज नोज, मतलब कौन सी अवस्था में व्यक्ति है वो अपने नाक पर चश्मा रखता है या पहनता है, मतलब नाक के ऊपर जो चश्मा आंखों पर होता है, समझ गए? तो कौन सी अवस्था में, मतलब कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है, तो कौन सी अवस्था में, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी अवस्था होती है, मतलब वृद्धावस्था में पहनता, आपको पता है, तो एट द सिक्स्थ लिखिए आप इसका आंसर, एट द सिक्स्थ स्टेज डज को हटा देना आप, ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स, बस हो गया, एट द सिक्स्थ स्टेज ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स। देखिए इसमें क्या है, वियर भी ये वर्ड गलत है, इसमें ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये वियर, यहाँ पर वियर्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वियर्स, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वियर्स, समझ गए? क्योंकि ए मैन तो क्या है, आपको पता है, हैं, सिंगल सिंगुलर है, इसलिए ऐसे इसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, समझ गए? तो इसमें देखिए, एट द सिक्स्थ स्टेज ए मैन वियर्स स्पेक्टेकल्स, बस इतना ही करना, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है, समझ गए, 10 से 20 शब्दों में, तो ये 10 से 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, समझ गए? तो एट द सिक्स्थ स्टेज ए मैन वियर्स स्पेक्टेकल्स, याद हो गया होगा आपको कि छठी अवस्था में क्या करता है व्यक्ति, चश्मा पहनता है, अपने नाक के ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये 4 ही है, अब 4 के बाद में देखिए 5 वाला क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं आपके जो, तो 4 क्वेश्चन हैं ये 10 से 20 शब्दों वाले, आपकी जो बुक के हैं टेक्सचुअल का, मतलब समझ गए, टेक्सचुअल हैं ये सभी, बुक से लिए गए हैं, टेक्स्ट बुक से। अब देखिए ये 20 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन, समझ गए, कौन से हैं,
20 से 30 शब्दों में आंसर देना होगा, समझ गए। ये 10 से 20 वाले थे, अब 20 से 30 वाले, 20 से 30 वाले हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है देखिए, पहला 22-30 वर्ड्स है। इसमें देखिए लिखिए, इसमें व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेपिटिशन, ऑफ रिपीटिशन है ये, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड सेंस, मतलब क्वेश्चन को समझिए पहले आप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस, मतलब इस सेंस जो वर्ड है इसको बार बार में काम में लेने का क्या मतलब है, क्या महत्व है, समझ रहे हो इसको, मतलब सेंस के दोहराने का, रिपीटिशन का मतलब दोहरान, सेंस के दोहराने का मतलब क्या है, क्यों बार बार दोहराया जा रहा है। तो आपको लास्ट लास्ट में आया था ये सेंस टीज, सेंस आईज, समझ गए। तो सेंस टेस्ट, ये वर्ड चेंज, सेंस को क्या किया गया था, बार बार इसको रिपीट किया गया था। तो क्यों रिपीट किया गया था, रिपीटिशन का मतलब वो ये है यहाँ पर। तो इसमें लिखिए आप इसका आंसर, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन, आंसर लिखिए इसका, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन, the importance of repetition of the word, of the word, the importance of repetition of the word, क्या वर्ड था, of the word sense, ये भी लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते, समझ गए पूरा क्वेश्चन में नहीं दे रखा ये, तो sense ये लगा लीजिए आप, समझोगे नहीं, of the word sense, is this that, is this that, it shows the, it shows the, it shows the, transitoryness, देखिए दोबारा देखना इसका क्या वर्ड है ये, ये है वर्ड, देखिए वर्ड को समझिए, ट्रांजिटरीनेस, ट्रांजिटरीनेस ये वर्ड है ये, मतलब जो ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स बॉडी एंड लाइफ, देखिए इसका अर्थ समझेंगे हम पहले। आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड चेंज इज दिस दैट इज शोज द ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, मतलब ये क्या करता है, जो इसका बार बार दोहरान इसीलिए किया गया है कि ये दिखाता है, मतलब प्रदर्शित, सोच का मतलब दिखाता है या प्रदर्शित करता है, सोच का मतलब क्या है, दिखाता है या क्या करता है, प्रदर्शित करता है,
क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ट्रांजिटरीनेस का मतलब है यहां पर अस्थाई, क्या मतलब है? अस्थाई। ट्रांजिटरीनेस का मतलब अगर नहीं आता हो तो आप लिख लेना अस्थाई, मतलब मानव के जो ह्यूमन ऑर्गन्स, मतलब मानव के अंगों, शरीर और जीवन को अस्थाई दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अस्थाई। ये जो सेंस, समझ गए, मतलब विदाउट भी वर्ड है इसमें, समझ गए? तो लेकिन विदाउट वर्ड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ट्रांजिटरीनेस करेंगे यहाँ पर। कौन सा करेंगे? ट्रांजिटरीनेस। ट्रांजिटरीनेस मतलब अस्थाई होने को दर्शाता है। क्या है अस्थाई? ह्यूमन ऑर्गेन्स मतलब मानव के अंग, बॉडी यानी शरीर एंड लाइफ, और जीवन, मानव का जीवन भी आपको पता है अस्थाई है, कोई स्थाई थोड़ी है। इसी प्रकार से मानव का बॉडी है, शरीर है, वो भी ट्रांजिटरीनेस है, और ऑर्गेन्स भी ये शो करता है। ये क्या क्या शो करता है? सेंस, जो वर्ड है, समझ गए? तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, देखिए डू यू फाइंड मतलब क्या आप पाते हो, डू यू फाइंड एनी मेलेंचोली रेफरेंस इन द पोइम। देखिए क्वेश्चन को समझिए, मेलेंचोली का मतलब होता है विषादपूर्ण, रेफरेंस का मतलब संदर्भ। क्या आप इस कविता में कोई विषादपूर्ण संदर्भ पाते हो? विषाद का मतलब जानते होंगे दुख भरा, तो विषादपूर्ण संदर्भ कौन सा पाते हो आप, वो लिखना है, समझ गए? तो इसमें लिखिए आप इसका आंसर कौन सा है। देखिए मैं लिखता हूँ, बताता हूँ आपको कौन सा विषादपूर्ण रेफरेंस इसमें यूज में लिया गया है। रेफरेंस बताया था मैंने आपको, रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है। मेलेंचोली ये विषादपूर्ण कविता, जिसको क्या बोलते हैं, मेलेंचोली बोलते हैं। तो आप हम पाते हैं, मतलब यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे यस वी फाइंड सम मेलेंचोली रेफरेंसेज, सम मेलेंचोली रेफरेंसेज, सम मेलेंचोली रेफरेंसेज इन दिस पोइम सम मेलेंचोली रेफरेंसेज इन दिस पोइम। इसके आगे लिख सकते हो कौन सा है विषादपूर्ण, आपको पता है द ओल्ड एज लिखिए इज सो, और फुल स्टॉप, मतलब जो व्यक्ति की वृद्धावस्था है वो ऐसी ही है, मतलब मेलेंचोली रेफरेंस है, समझ गए? ऐसे याद रखना आप, मेलेंचोली रेफरेंस कौन सी एज है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सी एज है मेलेंचोली रेफरेंस की? वृद्धावस्था है, समझ गए? ओल्ड एज, समझ गए? इसके बाद में आप थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए, ए मैन इज लीन, मतलब एक व्यक्ति क्या है, लीन है, पतला है, समझ गए? पतला हो जाता है। ही हैज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, मतलब वह अपने नाक पर चश्मा रखता है, एक प्रकार से वृद्धावस्था का वर्णन बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति लीन हो जाता है, पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ही हैज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, अपने नाक पर वो चश्मा रखने लग जाता है, समझ गए? और इसमें थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए, एंड श्रेंग सेंग, ये बताया था आपको श्रेंग सेंग, उसकी टांगे हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, श्रेंग सेंग का मतलब। फिर आगे ही इज सेंस, ज्यादा मत लिखो आप, ही इज सेंस एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ के बिना रह जाता है, बस इतना लिख दीजिए। और ये आपका जो आंसर है वो पूरा, मतलब सभी चीजों से वंचित रह जाता है वो। उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए तीनों, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आपके सामने नोट कीजिए।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट सिमिलीज, पिक आउट सिमिलीज फ्रॉम द पोइम, फ्रॉम द पोइम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इस कविता में जो सिमिलीज वाली जो लाइनें हैं, समझ गए, उनको आपको लिखना है। तो सिमिलीज वाली लाइनें आपको बताई थी, सिमिली किसको बोलते हैं, हैं ये क्या होता है, सिमिली अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है सिमिली, जो उपमा अलंकार है, समझ गए। तो उपमा अलंकार के उदाहरणों को आपको बताना है कि कहां कहां पर यूज़ किया गया है। तो पोइम पर चलिए एक बार, आंसर का लग जाएगा अभी मालूम आपको। पोइम पर चल के देखो, तो देखिए उपमा अलंकार की जो लाइनें आपको बताई थी इसमें, ये लिख लीजिए आप, इसमें 2 लाइन्स लिख दीजिए आप इस आंसर में। तो इसका आंसर देखिए कौन सी है उपमा लाइन, जो उपमा अलंकार है सिमिली, समझ गए, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार वाली जो लाइन्स हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, ये लाइन है इसमें, लाइक ए स्नेल, मतलब घूमगे के समान तुलना की जा रही है, समझ गए। तो किसी के लाइक की जाती है तो वहां पर सिमिली हो जाता है, क्या हो जाता है सिमिली, सिमिली बोलते हैं उपमा अलंकार को। तो एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता हुआ सुबह उसका, बालक का चमकता हुआ चेहरा, और वह किसके समान होता है, घोंगे के समान बालक की तुलना की जा रही है। तो ये लाइन है उस सिमिलीज वाली लाइन है, कौन सी लाइन है सिमिलीज। तो ये इसका आंसर हो गया, एक तो ये उठा लिया आपने, समझ गए। एक दूसरी लाइन देखिए, एक और उठा लीजिए आप, फिर एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन उठानी है आपको। दूसरी लाइन इस प्रकार से उठाइए, इसी स्टेंजा में आगे दे रखा है, एंड देन द लवर, ये लाइन उठा लो, एंड देन द लवर, मतलब एक प्रेमी, एंड देन द लवर मतलब एक प्रेमी, साइंग ये आया था, साइंग लाइक ए, इसमें भी देखिए लाइक आ रहा है, लाइक ए फर्नेस, बस ये 2 लाइंस बतानी है आपको, समझ गए। तो इसका आंसर हो गया, दोनों 2 लाइंस बता दी,
मतलब वो लाइनें बतानी थी जिसमें सिमिली हो, उपमा अलंकार हो। तो इसमें उपमा अलंकार है, मतलब लाइक वर्ड जहाँ पर आता है आपको पता है वहाँ सिमिली होता है, समझ गए। अगर नहीं भी आता हो आपको तो आपको ये ध्यान में रखना है, लाइक समझ गए, लाइक ए स्नेल, लाइक ए फर्नेंस, ऐसे जो सेंटेंसेज हैं उनमें सिमिली होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था आपका, उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे अब हम 60 to 80 वर्ड्स, 60 to 80 वर्ड्स मतलब 60 से 80 शब्दों वाले जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं इसके, समझ रहे हैं पोएम के 60 to 80 वर्ड्स वाले जो हैं वो पढ़ेंगे हम, 60 से 80 शब्दों वाले। सिक्सटी टू एटी वर्ड्स में पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द सेवन स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ। देखिए क्वेश्चन को समझने का ही तरीका होता है, पहले क्वेश्चन को समझिए आप क्या कहना चाहता है, मतलब डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो द सेलिएंट फीचर्स मतलब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, ऑफ सर्वाधिक जो विशेष जो फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, समझ गए, और सेलिएंट का मतलब विशेष जो विशेषताएं हैं, समझ गए। तो आप क्या करना है, आपको डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स मतलब आप विशेषताओं का वर्णन कीजिए ऑफ ऑल द सेवन स्टेज, सभी जो मानव की 7 अवस्थाएं हैं, कौन सी हैं, सभी मानव की जो 7 अवस्थाएं हैं उनका महत्वपूर्ण वर्णन करना आपको, मतलब मेनली लिखना है, मोस्ट जो भी है 7 अवस्थाओं का, समझ गए, पहली अवस्था से लेकर के 7 अवस्था तक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक प्रकार से उनको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन को समझने में देखिए फर्क हो गए कुछ, अब समझने का तरीका है कुछ क्या समझ जाए इसको, आपको पता है कि जो 7 अवस्था का वर्णन कर दें, समझ गए, तो 7 अवस्था का यहाँ पर वर्णन नहीं करना है, यहाँ पर सभी अवस्थाओं का वर्णन यहां पर आपको करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे हम, देखिए फर्स्ट आंसर लिखिए इसका, आपको आपको 7 अवस्थाओं का वर्णन बताया तो 7 अवस्थाओं का वर्णन कर दीजिए, पहला इन्फेंट के रूप में है पहली अवस्था, तो पहली अवस्था को लिखिए फर्स्ट एज, समझ गए, फर्स्ट एज एंड इन्फेंट मतलब पहली अवस्था में वो क्या है, इन्फेंट है, इन्फेंट ही म्यूल्स एंड पोक्स, बस प्रथम अवस्था हो गई, समझ गए, इतना लिख दीजिए आप। म्यूलिंग एंड प्योक्यूंग की जगह क्या इसमें चेंज कर दिया, म्यूल्स यानी मिमियाता है और पोक्स यानी उल्टी करता है, कौन सी अवस्था में, इन्फेंट के रूप में, पहली अवस्था में, तो फर्स्ट ये लाइन लिख दिया आपने। अब देखिए सेकेंड एज मतलब दूसरी, इसके सेकेंड एज अन एज एन अनविलिंगली स्कूल बॉय, ये दूसरी स्कूल बॉय आ गई आपकी अवस्था, समझ गए, इसी में लिख दिया स्कूल बॉय, बस इतना ही करना है। फिर देखिए थर्ड एज ए, तीसरी अवस्था कौन सी होती है, थर्ड एज ए लवर, समझ गए, जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या होती है, लवर के रूप में होती है, समझ गए। अगर आप इसमें थोड़ा सा और लिखना चाहते हो, थर्ड एज ए लवर
ही, इसमें ये चेंज कर सकते हो आप थोड़ा सा, थर्ड एज ए लवर ही साइज लाइक ए फर्नेंस, साइज लाइक ए फर्नेंस। तो ये कौन सी अवस्था हुई आपकी, थर्ड अवस्था, समझ गए। तो थर्ड अवस्था में क्या कवि जो बता रहे हैं वो लिख दो। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन कर दिया, अब देखिए चौथी जो अवस्था है, सातों अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा लिखना आपको करके। तो अब जो फोर्थ जो एज है उसके बारे में लिखना है, फोर्थ एज ए सोल्जर, जो चौथी अवस्था है वो सोल्जर के रूप में क्या करते हैं, एज ए सोल्जर ही सीक्स बबल रेपुटेशन, ये बताया हुआ है। फोर्थ अवस्था का भी वर्णन कर दिया आपने इसके बाद में। फिर फिफ्थ एज ए जस्टिस, देखिए एज का मतलब है यहाँ रूप, मतलब रूप में, क्या मतलब है रूप में। फिफ्थ एज ए जस्टिस मतलब जो पांचवी अवस्था है वो एक न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में। He is full of wise. Sage and modern instance. ये बताया हुआ आपको कि जो पांचवी अवस्था है जस्टिस के रूप में वो क्या करता है, इसमें अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता है और नए उदाहरण देने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई आपकी, फिफ्थ तक कर लिया। अब फिर सिक्स्थ एज एन अगली ओल्ड मैन, मतलब एक बद्धे वृद्ध व्यक्ति के रूप में है मैन। He whistles in his sound. समझ गए, ये सिक्स्थ अवस्था हो गई, छठी अवस्था जो वृद्ध अवस्था। और सेवंथ एज ए सेकेंड चाइल्डिशनेस, सेकेंड चाइल्डिशनेस मतलब जो सातवीं जो अवस्था है वो किसके रूप में है, मतलब एक दूसरा बचपन है। बस इतना कर दो आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ गए 60-80 वर्ड्स वाला। तो सातों अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा हमने वर्णन कर दिया, बता दिया आपको, समझा दिया, नोट कर लो इसको, उतार लो। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नोट नहीं भी हो पाता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे क्या है फिर कर लिया करो नोट।
देखिए क्वेश्चन नंबर टू, एक क्वेश्चन और फिर ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन हल और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, पिक आउट द यूज आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, पिक आउट द यूज ऑफ मेटाफर्स, पिक आउट द यूज ऑफ मेटाफर्स मेटाफर्स फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब आपको क्या करना है, इस पोइम में जितनी भी मेटाफर्स वाली जो लाइनें हैं, मतलब जो रूपक अलंकार आपको बताया था, समझ गए, इसको लक्षण अलंकार ही बोलते हैं रूपक को ही, तो मेटाफर्स वाली लाइन ही बताया था आपको, पहली लाइन है वो क्या है, मेटाफर वाली लाइन है, ऑल द वर्ड्स, समझ गए, ये जो लाइन है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, समझ गए, ये क्या है, मेटाफर की लाइन है। नंबर टू देखिए, दूसरी लाइन है वो इसी की अगली लाइन है, एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स मियरली प्लेयर्स, ये दूसरी लाइन भी इसमें मेटाफर है, समझ गए। फिर अभी बताया था आपको, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ये लाइन भी इसी में मेटाफर है। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए, इज सेकेंड चाइल्ड ने इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, मतलब जो दूसरा बचपन है बताया गया है, समझ गए अवस्था को, वो भी क्या है, मेटाफर है, ये मेटाफर वाली लाइन है। इसके बारे में देखिए नंबर फिफ्थ, पांचवी और दे दीजिए, इनटू द लीन एंड इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून, पेंटालून मतलब ये भी क्या है, मेटाफर की लाइन है। सिक्स देखिए, छह लाइन लिख दीजिए आप, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ये छांट लिया आपने, मेटाफर है ये, समझ गए, पूरी कविता में से छांट लिया है, तो ये क्या है, मेटाफर वाली लाइनें हैं ये, समझ गए। मतलब पूरा संसार क्या है, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, मतलब पूरा संसार क्या है, एक मंच है, और सभी जो व्यक्ति और महिलाएं हैं वो केवल क्या हैं, प्लेयर्स हैं। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, मतलब ये क्या करता है, बुलबुले के जो बुलबुला होता है उसके समान जैसे ऊपर नीचे उड़ता रहता है, मतलब सीकिंग करता रहता है, तलाश करता रहता है। सेकंड चाइल्डिशनेस आपको समझाया हुआ है। इसके बाद में देखिए, जो लीन एंड स्लीपर पेंटालून, ये भी क्या है, मेटाफर है, मतलब रूपक है, रूप दिया गया हो इसमें। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता हुआ चेहरा, ये भी क्या है, मेटाफर है, समझ गए। तो ये सिक्स लाइन है वो मेटाफर वाली लाइन है, समझ गए। तो मेटाफर्स वाली लाइनें हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट, एक बार नोट कर लीजिए इसको, आप उतार लो इसका आंसर। तो ये मेटाफर था, अभी पहले बताया आपको, जो सिमिली है मतलब उपमा अलंकार के जो उदाहरण थे वो बताए,
अब मेटाफर के बता दिए, रूपक के बता दिए, समझ गए कौन कौन से हैं, मतलब किसी को क्या दी जा रही हो, कोई उपमा दी जा रही हो। देखिए उपमा अलंकार, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, मतलब पूरा संसार क्या है, एक मंच, तो संसार को एक स्टेज की उपमा दी गई है, समझ गए। यहाँ पर ऐसे ही सभी महिलाएं और वो क्या करने वाली हैं, प्लेयर्स बताया गया है, प्लेयर्स की उपमा दी गई है। बबल रेपुटेशन की दी गई है, समझ गए। चाइल्डिशनेस की दी गई है, यहाँ देखिए अवस्था को क्या कहा बताया गया है, किसकी उपमा, स्लिपर्ड पेंटालून की। और यहाँ देखिए जो चेहरा है उसको, चमकता हुआ चेहरा जो मॉर्निंग में बताया गया है, ये भी क्या है, मेटाफर है। तो ये सभी मेटाफर्स वाली लाइनें हैं। तो ओके, यहाँ तक आप कंप्लीट रखिए, जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा पोइम का, अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कंप्लीटली अपनी पोइम पूरी हो जाएगी पार्ट 5 में। ओके, थैंक्स।